सर टेस्ट 2nd of March को है। हाँ, सेकंड का प्रिपेयर करके चलिए, और दो चैप्टर्स होंगे, मेन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सर कितने मार्क्स का? वही होगा 30 या 35 नंबर का होगा, बता दूंगा मैं आपको। ओके। अरे एक का नहीं, अब तो आप इस चीज के लिए भी तैयार होइए कि 12 या 13 तारीख को वो आपका फुल सिलेबस टेस्ट होगा। इस चीज के लिए भी तैयार होइए, और उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टू प्लस आर थ्री, उसके बाद अगर पैरेलल कनेक्शन है पैरेलल कनेक्शन में देखिए, एक रेजिस्टेंस है आर वन, दूसरा रेजिस्टेंस है आर टू, और तीसरा रेजिस्टेंस है आर थ्री। आर वन आर टू और आर थ्री ये है, तो अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाए, मतलब तो पूरे का कंबाइंड रेजिस्टेंस, ये होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फिर इसमें इसमें एक चीज ये पूछी जाती है, ये नोट कर लेना, ये नोट कर लेना जो मैंने आपको नोट्स में भेजा है, ये नोट्स में नहीं दे रखा है, तो ये आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होता है, ये प्रूव करिए, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होता है, ये प्रूव करिए, कई बार ये चीज पूछी जाती है, तो उस चीज को नोट कर लीजिए। हम ये कहेंगे कि अगर सीरीज कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो नोट करके एक चीज लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखेंगे इसमें कि इन सीरीज सीरीज कनेक्शन करंट रिमेन्स सेम बट वोल्टेज वेरीज इन ईच रेसिस्टर। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि जैसे सीरीज कनेक्शन में काफी सारे रेसिस्टेंसेस जुड़े रहते हैं, तो हर रेसिस्टेंस में जो करंट है, करंट तो सेम रहती है लेकिन वोल्टेज जो है वो वेरी करती है, ठीक है। जैसे मैं इस सीरीज कनेक्शन की बात करूंगा, तो यहाँ पर इसमें अगर करंट मान लो 2 एम्पियर है, यहाँ भी 2 एम्पियर जाएगा, यहाँ भी 2 एम्पियर जाएगा, लेकिन तीनों में वोल्टेजेस जो है वो अलग अलग होंगे, ठीक है। पैरेलल में इसका उल्टा होता है, पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज सेम, वोल्टेज है ना। इन पैरेलल कनेक्शन इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज रिमेन सेम बट करंट वेरीज इन ईच रेसिस्टर। अब इस फंडे को यूज करके मैं सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो कैलकुलेट करूंगा। तो सीरीज कनेक्शन में मैं ये दिखाता हूँ, ये रेसिस्टेंस ये हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा, तीन रेसिस्टेंसेस हैं, और ये तीनों रेसिस्टेंसेस जो हैं ये एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, वोल्टेज सोर्स है डी,
इसमें रेसिस्टेंस है आर वन, इसमें रेसिस्टेंस है आर टू और इसमें रेसिस्टेंस है आर थ्री। अब ये जो वी है हमेशा करंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला तो आई करंट निकला, इसमें भी करंट आई जाएगा, इसमें भी करंट आई जाएगा और इसमें भी करंट आई जाएगा, बिकॉज इन सीरीज कनेक्शन करंट रिमेन सेम इन ईच रेसिस्टर व्हाइल वोल्टेज वेरीज। वोल्टेज वेरी करेगी मतलब ये वाला जो रेसिस्टेंस है आर वन, इसमें वोल्टेज अलग होगी, इसमें वोल्टेज होगी वी वन। ये वाला जो रेसिस्टेंस है आर टू, इसमें वोल्टेज होगी वी टू। ये वाला जो रेसिस्टेंस है आर थ्री, इसमें वोल्टेज होगी वी थ्री। ठीक है, और होता क्या है कि जब पूरे सर्किट में एक बड़ा वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है वी, ठीक है, तो इसने वी वन वोल्टेज तो इसको दे दी, वी टू वोल्टेज इसको दे दी, वी थ्री वोल्टेज इसको दे दी, तो तीनों वोल्टेजेस का अगर मैं सम कर दूं तो वो इस टोटल वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर्किट में टोटल वोल्टेज तो वी ही सप्लाई कर रखी है हमने। ठीक है, तो हम यहां पर कहेंगे कि इन सीरीज कनेक्शन करंट remains same but voltage varies in each resistor, therefore V is equal to V1 plus V2 प्लस बी थ्री। ठीक है, अच्छा, बाई यूजिंग ओम्स लॉ बी क्या हो जाता है, बी इज इक्वल टू आई आर होता है, आई आर इज इक्वल टू बी वन में भी कर, बी वन में करंट क्या है आई और रेजिस्टेंस क्या है आर वन, तो आई इंटू आर वन। बी टू ये जो वोल्टेज है V2 किसके इक्वल है, I into R2, और V3 किसके इक्वल है, I into R3। यहां पर हम ये कहेंगे वेयर R इज द कैपिटल R इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस of entire circuit पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर है। तो आप ये देखिए क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है तो ये जो वोल्टेज सोर्स है ये आई करंट डिलीवर कर रहा है। ठीक है, सीरीज कनेक्शन है तो यहां भी आई जाएगा, यहां भी आई जाएगा, यहां भी आई जाएगा, करंट सेम रहता है। तो इसने आई डिलीवर करा तो ये जो वोल्टेज सोर्स है अगर इस वी की वैल्यू निकालो तो ये क्या हो जाएगा, आई इंटू पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि मैं पूरे सर्किट के रेसिस्टेंस की बात करूंगा तो पूरे सर्किट का कंबाइंड रेसिस्टेंस अगर R है तो I इंटू आर क्या हो गया, V के बराबर। ठीक है, बाय यूजिंग ओम्स लॉ इसको लिखेंगे आई आर, और यहां पर तीनों में I कॉमन है, निकाल दो कॉमन बाहर, ब्रैकेट में बचा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आई से आई कट गया, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इसी तरह से अगर मान लो कोई चौथा रेजिस्टेंस भी होता तो आर फोर भी आ जाता। ठीक है, 10 रेजिस्टेंस होते तो 10 के 10 रेजिस्टेंस ऐड हो जाते, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाता। बताइए बेटा क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद अगला जो फंडा है वो है पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, हेलो सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर। आपकी आवाज पता नहीं बीच बीच में कट जा रही है, पता नहीं, हो सकता है नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो। ओके सर, मैं अपनी साइड से ठीक करता हूँ। पैरेलल कनेक्शन वो
वोल्टेज रिमेन सेम बट इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज रिमेन सेम बट करंट वेरीज इन ईच रेजिस्टर। अभी एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाकर दिखा देते हैं, इस तरफ कर रहा हूं उसको, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये बी, ये करंट डिलीवर करेगा आई, और इसका रेसिस्टेंस है आर वन, इसका रेसिस्टेंस है आर टू, इसका रेसिस्टेंस है आर थ्री। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, ठीक है, तो वोल्टेज इसने बी है, वोल्टेज सोर्स कितना है, वोल्टेज सोर्स हमारा बी वैल्यू का है, तो जो वोल्टेज है बी वो यहाँ पर भी बी जाएगी, इसमें भी बी वोल्टेज और इसमें बी की, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, बट करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वेरी हो जाता है। तो यहां तक तो देखिए आई पहुंचा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आई वन यहाँ गया, आई टू इस वाली ब्रांच में गया और आई थ्री इस वाली ब्रांच में गया। तो अब हम कहेंगे बाई यूजिंग ओम्स लॉ, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये स्टार्ट में आएगा, जो सर्किट का टोटल करंट है वो तो आई है, वो आई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आई वन आई टू और आई थ्री, इसका मतलब ये आई वन आई टू आई थ्री कितना होगा, इनका सम अगर कर दें तो आई के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। अब लिखें बाई यूजिंग ओम्स लॉ, V is equal to I होता है तो I क्या हो गया V upon R, I1 क्या हो गया V upon R1, I2 क्या हो गया V upon R2 और I3 हो गया V upon R3। यहां से V ले लिया कॉमन, ब्रैकेट का 1 upon R1 प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, और इस वी से ये बी कट गया, तो यहाँ बचा वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, ठीक है। ये होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके केस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में। बताइए जी सभी को क्लियर है, रुद्रांश, लक्ष्य, दिवस, आस्था, अनमोल? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है जी। यस सर। ओके ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखेंगे और इसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नोट करिएगा, अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज
resistance of 6 ohm is connected in series with another resistance of 4 ohm. So, a potential difference of 20 volt is applied across the combination. A potential difference of 20 volt is applied across the combination. Is applied across the combination. Full stop. Calculate the current through the circuit. Current through the circuit calculate the current through the circuit and potential difference across 6 ohm resistance and potential difference across 6 ohm resistance जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है तो सर्किट डायग्राम जरूर बना लेना जैसे यार ये नंबर एक नंबर में इतना आसान आएगा मतलब इतना मुश्किल एक नंबर में नहीं है ठीक है तो रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रेजिस्टेंस मतलब इसके क्वेश्चन इतने उसमें नहीं आएंगे वो ज्यादा से ज्यादा एक डेफिनेशन वगैरह पूछ लेंगे एक नंबर उससे ज्यादा था तो इसमें है और रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम यानी कि एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं सीरीज मतलब बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं तो सिक्स ओम 4 ओम अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इस कॉम्बिनेशन में एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे 20 वोल्ट का प्लस माइनस 20 वोल्ट ये बैटरी मतलब एक सिंगल सेल है कई बार तीन चार सेल की बैटरी होती है पर आप सिंगल सेल बना दो कोई दिक्कत नहीं तो ये 20 वोल्ट की बैटरी होगी वोल्टेज का सिंबल है 6 वोल्ट हो गया 4 ओम 6 ओम हो गया और 4 ओम हो गया कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट पूरे सर्किट में करंट कितना सबसे पहले तो ये निकालना है तो दोनों की दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है ना तो हम ये कहेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा दोनों का एडिशन तो यहां हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू दो ही तो रेसिस्टेंस है तो आर वन प्लस आर टू तीन होते तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री चार होते तो आर वन आर टू आर थ्री आर फोर चारों एड हो जाते 6 + 4 10 ओम पूरे सर्किट की वोल्टेज कितनी है 20 वोल्ट पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम करंट हो जाएगा बाय यूजिंग 20 वोल्ट बाय यूजिंग ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर वी कितना है 20 10 टू द हो गया 2 एम्पीयर By using Ohm's law, ये हो गया 2 एम्पीयर उसके बाद देखिएगा कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट ये तो हो गया फिर वो बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है करंट सेम रहता है तो यहाँ भी 6 ओम वाला इसके पास भी 2 एम्पीयर जाएगा
और इसके पास भी 2 एम्पीयर जाएगा। वो पूछ रहे हैं कि इसमें कितनी जा रही है वोल्टेज, सिर्फ ये बता दीजिए। रेसिस्टेंस है, करंट है, वोल्टेज निकाल लेंगे, बल हो गए। तो हम ये कहेंगे वोल्टेज, वोल्टेज बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, एक ही बात होती है। वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रेसिस्टर आई इंटू आर, आर1 बोलते हैं यहाँ पर, आई कितना 2 और आर1 कितना 6, 2 6 का 12 वोल्ट। ऐसे ही मान लो आप इसकी वोल्टेज निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4 2 8, ये इसकी 12 आ गई, इसकी 8 आ गई, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल के बराबर 20 वोल्ट। इसका मतलब हमने ठीक करा है, सही है, समझ गए। चलिए जी अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। Draw a diagram of a circuit consisting of a battery. Draw the diagram of a circuit consisting of a battery. Consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each. थ्री सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, अभी बता रहा हूँ, पहले नोट कर लो, कॉमा अ 5 ओम रेसिस्टर, अ 5 ओम रेसिस्टर, कॉमा एंड 8 ओम रेसिस्टर एंड अ 12 ओम रेसिस्टर, रेसिस्टर एंड अ प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, एंड अ प्लग की, एंड अ प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, all connected in series, full stop। ये तो इसका ए पार्ट, इसमें लिख लो ये तो ए पार्ट है, और बी पार्ट लिखिए इसी क्वेश्चन का, redraw the above circuit putting an emitter above circuit putting an emitter to measure the current through the resistors measure the current through the resistors and a voltmeter to measure the potential difference and a voltmeter the voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor across the 12 ohm resistor
First off, what would be the readings in the ammeter and the voltmeter? What would be the readings in the ammeter and the voltmeter? हाँ जी बताइए सर, ये भी तो होता है कि पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज होती है वो सिमिलर रहती है लेकिन सीरीज में चेंज होती रहती है। बिल्कुल सही, वही तो मैंने बताया कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज रिमेन सेम और सीरीज में वोल्टेज जो है वो डिफर करती है, करंट रिमेन सेम। तो सर जिन सर्किट्स में बोथ पैरेलल और सीरीज होता है उनका क्या? उन सर्किट्स की भी बात करेंगे, अभी क्वेश्चंस देखेंगे उनकी उनकी भी बात करेंगे, फंडा यही लगेगा वहां पर भी। अभी ओके सर, बताता हूँ, एक मिनट रुकिए, बस बस एक मिनट वेट करिए, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ, बस क्वेश्चन नोट कर दो। इस क्वेश्चन में इनको गिवन है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, अ 5 ओम रेजिस्टर एंड 8 ओम रेजिस्टर एंड अ 12 ओम रेजिस्टर एंड अ प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। ये प्लग की क्या होता है? प्लग की होता है एक स्विच जो सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए काम आता है। नहीं, इससे मतलब है आपको ना एक ये स्मॉल ब्रैकेट बना था, बीच में डॉट लगा देना, बस ये स्विच होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है, देखिए यहाँ पर जो रेसिस्टेंसेस हैं वो देखो, 5 ओम 8 ओम और 12 ओम, ये 12 ओम, ये की बना दिया, अब ये जो है ना एक पॉजिटिव नेगेटिव तो मतलब एक सेल, एक और पॉजिटिव नेगेटिव मतलब दो सेल, एक और पॉजिटिव नेगेटिव मतलब तीन सेल, तो टोटल तीन सेल हो गए इसमें। इन्होंने बोला 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, जब एक सेल 2 वोल्ट का है तो टोटल 3 सेल कितने के हो गए? 6 वोल्ट के। ठीक है, समझे? बैटरी में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या हो गया? एक सेल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दूसरा सेल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मतलब तीसरा सेल, तो टोटल 3 सेल है, तो टोटल कितना हो गया? 6 वोल्ट। तो ये हो गया 6 वोल्ट, ये हो गई की, और ये है 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम और कनेक्टेड इन सीरीज। अब हो सकता है आप लोगों को ये लगे कि नहीं, ये तीनों तो सीरीज में है, लेकिन ये पूरा और ये तो पैरेलल में दिखाई दे रहा है, ये पैरेलल में नहीं है, ये भी सीरीज में है। हम ये कहते हैं कि सीरीज और पैरेलल का पता किस चीज से चलता है? कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जिनके सेम है वो पैरेलल होंगे, जिनके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है वो सीरीज में होंगे। कैसे? आप ये देखो, ये 5 ओम है, क्या इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये और एंडिंग पॉइंट ये है? अगर इसी के नीचे ऐसे लगा होता कुछ, तब मैं बोलता कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में, कि इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। ठीक है, तो हमेशा पैरेलल में जब भी देखते हैं तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, सीरीज में क्या बैक टू बैक कनेक्टेड होने चाहिए। तो मैं ये देखता हूँ कि ये 5 ओम, ये 8 ओम, ये 12 ओम और फिर ये बैटरी, फिर ये सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड है। समझ गया? ऐसे ट्रायंगल बनाने तो क्या हो? जब हम ट्राइंगल बनाते हैं तो मैं आता हूँ अभी ट्राइंगल पर, वहां पर इधर क्वेश्चन है ना, किस तरफ कर रहा हूँ, ये सही पूछ रहे हो तुम, हो सकता है एग्जाम में भी आया हो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन। आए ट्राइंगल वाले क्वेश्चन आते हैं, बनाकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए ट्राइंगल दे, अब इसमें क्या बोलूं, कौन सा सीरीज दूं, कौन सा पैरेलल दूं? अगर मान लो मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, तो मैं ये कहूंगा एक रेजिस्टेंस तो ये हो गया जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, और फिर ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं, इन दोनों रेजिस्टेंसेस को सीरीज में ले लेंगे, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट इन दोनों के कॉम्बिनेशन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है जो इसका,
तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, ऐसे करेंगे। तो ये कुछ ना कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें सीरीज पैरेलल ये सारे के सारे मिक्स्ड होते हैं। सर हमें ऐसे बहुत सारे गिवन रहते हैं और हमें ना वो लास्ट में बताना होता है, यही इसमें असली जो क्वेश्चन है वो यही वाले हैं। अभी तो हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये तो आसान है, ठीक है, लेकिन असली क्वेश्चन ये वाले हैं जिसमें थोड़ा बहुत टफनेस लेवल ज्यादा हो सकता है। सर ये फिर से बता दो, क्या पूछ रहे बेटा बताइए। सर ये बारी फिर से बता दो। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लो मुझे इस वाले पॉइंट के, ये पॉइंट ए है और मान लो ये वाला पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच का। तो मैं ये देखूंगा कि ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस तो ये है और ए और बी के बीच में दो रेजिस्टेंसेस ऐसे जुड़े हुए हैं बैक टू बैक, तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस को मैं मानूंगा सीरीज में, इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में हो जाएगा, समझ गए? ओके सर, ठीक है ना, तब ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाए, क्लियर है? तब आप ये देखिएगा इसमें इन्होंने बोला ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ थ्री सेल्स ऑफ टू वोल्ट ईच, अ 5 ओम रेजिस्टर, 8 ओम रेजिस्टर एंड 1 ओम रेजिस्टर एंड अ प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये पार्ट तो ये हो गया, इसमें तो सिर्फ ये सर्किट बनाने के लिए बोला था, ये पार्ट तो ये हो गया। उसके बाद बी पार्ट में, हाँ बी पार्ट में बोल रहे हैं रीड्रॉ द अबव सर्किट पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट। अब याद रखिएगा एमीटर क्या काम करता है, करंट मेजर करता है, एमीटर करंट मेजर करता है और सीरीज में हमेशा करंट सेम रहती है, ठीक है, पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम रहती है। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज मेजर करता है। तो जब भी कभी किसी सर्किट में एमीटर लगाने के लिए बोले तो क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है तो एमीटर कहाँ लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे, क्योंकि सीरीज में करंट वैरी नहीं करता, तो जितना करंट होगा उतना ही करंट शो करेगा, क्यों, क्योंकि आपने सीरीज में एमीटर लगा दिया, नहीं समझे? अभी समझा रहा हूँ, एक मिनट रुको, बस एक मिनट रुको, आप ये देखिएगा उन्होंने बोला रीड्रॉ द अबव सर्किट बाय पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेसिस्टर्स एंड अ वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेसिस्टर। इस सर्किट को दोबारा बनाना है, ये जो तीनों रेसिस्टेंसेस हैं, तीनों रेसिस्टेंसेस का करंट मेजर करना चाह रहा हूँ, तो करंट मेजर करने के लिए मुझे लगाना है एमीटर। तो ये कैसे होगा, एक रेसिस्टेंस ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और यहाँ पर एक एमीटर लगा दो। अभी बताता हूँ ऐसा क्यों करा, एमीटर मैंने कैसे लगा दिया, सीरीज में लगा दिया ना, सीरीज में क्यों लगाया, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, तो जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा, उतना ही इसमें जाएगा, उतना ही इसमें जाएगा, तो बस आप क्या करो किसी भी एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकाल लो, एमीटर के अलग करंट आ गया आपका, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, वेरी करता ही नहीं, वेरी क्या करता है सीरीज में, वोल्टेज, समझ गए? अब क्या बोल रही है, अब इन्होंने बोला एंड अ वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेसिस्टर, तो 12 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस ही वोल्टेज निकालनी है, तो मैं जानता हूँ सीरीज में जुड़े हुए हैं सारे, तो इसमें करंट तो सेम रहेगा, वोल्टेज वेरी करेगी, सिर्फ 12 ओम, तो वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में रहेगा, समझ गए? पंडा बिल्कुल सीधा याद रखना, सीरीज में करंट सेम और पैरेलल में वोल्टेज सेम, बस एक याद रख लो कि सीरीज में करंट सेम बस, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम, बस वो मतलब करंट के अलावा क्या आता है, वोल्टेज ही तो आता है, बस एक चीज याद रखिए सीरीज में करंट सेम है तो फिर पैरेलल में क्या सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा, क्योंकि सीरीज और पैरेलल तो वैसे ही एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है भाई, सक्षम, क्लियर? अब जरा देखिएगा व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड द वोल्टमीटर, तो इस सर्किट को बनाओ पहले कंप्लीट करो, वो आपकी मर्जी, वैसे ज्यादातर अगर पॉइंट पे ले आओ तो ज्यादा सही है। अब देखिएगा
अब वो बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको एमीटर की रीडिंग निकालनी है। एमीटर की रीडिंग का मतलब क्या है कि आपको करंट निकालना है, समझ गए, आपको करंट निकालना है क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। तो जो इसमें होगा करंट या इसमें होगा या इसमें होगा वही इस एमीटर में होगा। तो क्या करो, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। हम ये कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R is equal to R1 plus R2 plus R3, तो R क्या हो गया 5 plus 8 plus 12, तो R कितना हो गया 25 ओम, ठीक है। और पूरे सर्किट में रेसिस्टेंस कितना हो गया 25 ओम, ठीक है। पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना 6 वोल्ट। बाय यूजिंग Ohm's law, V is equal to IR, it implies that I is equal to V upon R, yani 6 upon 25. 25 zeros are 0, एक 0 लगाया, 60 हो गया, तो 25 2s are 50, 60 minus 50 कितना हो गया, 10, 10 के आगे 0 लगाया, 125 हो गया, 0.24, 0.24 एम्पीयर, क्योंकि सीरीज है इसलिए हम ये कहेंगे करंट थ्रू द एमीटर इज 0 पॉइंट या एमीटर रीडिंग। सिंस करंट रिमेंस सेम इन सीरीज देयरफॉर एमीटर रीडिंग, एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी भाई इसमें भी, फिर इसका मतलब ये 0.24 एम्पीयर, इसमें भी इतना, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम और इसमें भी सेम, चारों की चारों सीरीज में। तो एमीटर की रीडिंग क्या हो गई 0.24 एम्पीयर। कोई भी चीज पेपर में ना ऐसे मत छोड़ देना कि टीचर तो समझदार है अपने आप समझ लेगा, भाई समझदार तो है लेकिन ये लिख देना कि क्या उन्होंने पूछा, उन्होंने एमीटर की रीडिंग पूछी है तो लिख देना कि एमीटर की रीडिंग 0.24। अच्छा ये ऑनलाइन वालों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इस तरफ कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ फोकस, देख लीजिए ठीक है, दिखाई दे रहा है अभी। यस सर। एमीटर की रीडिंग ये हो गई, उसके बाद देखिएगा फिर वो पूछ रहे हैं कि मेरे को वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है, तो भाई मैं जान गया ना कि यहाँ पर भी 0.24, इधर भी 0.24, इधर भी 0.24, तो यानी कि इसमें 0.24 ही होगा करंट, तो वोल्टेज कितना होगा, बिल्कुल सही है ना, नहीं सही है। सर वी निकालना है तो आई आर वाले फॉर्मूले में डाल देंगे ना, बस ओम्स लॉ। हम ये कहेंगे वोल्टेज रेजिस्टेंस कितना है 12, 12 फोर 48, 4 कैरी आ गया, 12 टू 24 और 4 28, तो 2.88 वोल्ट, 2.88 वोल्ट, बताइए जी सभी को क्लियर है। ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर की रीडिंग। देयरफॉर वोल्ट मीटर रीडिंग 2.88 वोल्ट, ये हो गया ठीक है जी, इतना कर लीजिए। बाकी आज शाम वाले बैच में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट कराऊंगा, और सेकंड को या थर्ड को, सेकंड मानकर चलिए आपका टेस्ट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दोनों टफ चैप्टर है, मेहनत करिए, ढंग से तैयारी करिए।